अपनी वो वाली ये वाली इसकी। थैंक यू ब्रो, मज़ा आया भाई, मस्त था। स्टेयरिंग यार थोड़ा पावर स्टेयरिंग लगाओ इसमें। चलाने में तो ज़बरदस्त है लेकिन इसका जो हैंडल स्टेयरिंग है वो बहुत हार्ड है ओवरऑल। 10 में से 9 जरूर मिलेंगे। चलो सर तो भाई मास्टर जी हैं तो नंबर काटना तो इनका बनता है, तो पूरे की तो उम्मीद स्टूडेंट नहीं कर सकते। ये है गो कार्टिंग का ट्रैक हमारे सामने और ये 6 राउंड यहाँ पे मिलते हैं इस एक पूरे गेम में, यानी आप ऐसा ऐसा 6 बार घुमा सकते हैं ये। और सिंगल भी है और डबल भी है, यानी आप अगर डबल बैठना चाहो बराबर बराबर में दो लोग तो उनके लिए भी है और सिंगल के लिए तो है ही है। साइडों में ही लगा रखे हैं टायर वायर से ताकि चोट वोट ना लगे किसी को अगर एक्सीडेंट हो जाए तो। वैसे तो सेफ लग रही है बिल्कुल। अंदर जाते हैं हम लोग, ट्राई करके देखते हैं फिर कैसा लगेगा, फिर बताएंगे कि आप लोग देखोगे ही कैसा है। जब हम लोग कर रहे होंगे तो इतने ऊपर से तो कोई शॉट ले नहीं पाएगा, तो इसलिए हम पहले ही ले रहे हैं ये, और फिर इसके बाद हम अंदर जाके ट्राई करेंगे। ये पूरा पुल के ऊपर से निकल के पुल के नीचे से आके पूरा घुमा के है। मज़ेदार तो लग रहा है और हम यही करने वाले हैं, तो चलते हैं अंदर और खुद करके देखते हैं, खुद करेंगे तो कैसा लगेगा। भाई साहब हेलो, मज़ेदार तो लग रहा है ना? अच्छा है, काफ़ी ट्रैक भी बहुत बड़ा है। अगला नंबर हमारा ये बैंड है इसके लिए और ये इस पर लिखा हुआ है गो कार्ट, जिसके पास होगा उसी को एंट्री देंगे ये, और पूरा घुमा के 6 बार हम घुमा सकते हैं इसको ये ऐसे। तो चल दो अंदर चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं कितना मज़ा आएगा। तो अब अपनी बारी है गो कार्टिंग की, ये है पीछे जगह और अब हम लोग जा रहे हैं गो कार्टिंग के लिए। आप जाके देखते हैं वहाँ कैसा लगेगा, ये पूरा ट्रैक है वो आप देख ही चुके हैं, हम चला के दिखाते हैं आपको। और ये भाई साहब तो पहले ही पहुँच गए हैं, तुम्हें ज़्यादा जल्दी है गाड़ी चलाने की, मौसम खराब हो सकता है वो भी पहाड़ के ऊपर। ये हमारा बैंड है जिसको दिखा के एंट्री होगी और हम डबल नहीं सिंगल सिंगल वाला करेंगे, रख देना यहीं पे। ये यहाँ से एंट्री है और ये सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं। ब्रेक है वो तो बता देंगे ना भैया। ओके सर, भैया ये रखा है हमारा सामान, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, ये भरना सर एक बार। डबल लेंगे या सिंगल लेंगे? सिंगल सिंगल। कलर सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा? कलर में क्या रखा है, ये तेरे को लाल पसंद है ना? ऐसा कुछ नहीं, मेरे को तो नीला पसंद है। लाल पे ही बैठाएंगे तेरे को। और तू पीली? हाँ तो पीला तो अच्छा है। अब थोड़ा लग रहा है कि तू तो बहुत बार चला चुका, तेरे को क्या दिक्कत है? अब ब्रेक क्लच पता है कौन से हैं? ये रेस है राइट, वो भैया बताएंगे ना। ये सील्ड बेल्ट लगा के तैयार भैया, मैं इस पे बैठूं? भाई ब्रेक बहुत हार्ड है इसका, नहीं ये
जबरदस्त है, लेकिन इसका जो हैंडल स्टीयरिंग है वो बहुत हार्ड है। ये अभी साइड मार के भाग गया, मेरे वाली फटफटियां बंद हो रही है, आवाज पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन मास्टर जी हम कवर रेस 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 आगे बंद हो जाएगी, अब ब्रेक मारो। ये ले, ये सीख क्या मैं चला रहा, अबे भाई साहब मैं तो चलानी सीख गया भाई, इसका स्टीयरिंग बहुत हार्ड है, अबे पता नहीं क्या वो मेरे पीछे है, ये फिर आगे निकल गया और इस बार तो मैं इसको नहीं जीतने दूंगा। ये जीत गए, फिर से जीत गए। फीलिंग तो गाड़ी वाली आ रही है। अरे भाई नहीं, वो स्टीयरिंग बहुत हार्ड है उसका। अरे नहीं, गिरेगा तो कैसे, अपनी वो वाली ये वाली इसकी। थैंक यू ब्रो, मजा आया भाई, मस्त था। स्टीयरिंग यार थोड़ा पावर स्टीयरिंग लगाओ इसमें। अरे वो हैंडल ही नहीं हो रहा, शुक्र है कि ये ना वाइड है, अगर पैसिव नहीं उलट जाती डर लगता है, उलट ना जाए, लेकिन नहीं बहुत बढ़िया था, उलट नहीं रही थी। इनका इन्हीं का है, हाँ तो वो तो ठीक है। हाँ भैया ये काटने का है क्या, कुछ टूट जाएगा, तोड़ना अभी एक ही बार आना है तो फांतू में फांतू घूमना ना इसको। थैंक यू भैया, थैंक यू सर। हाँ जी ब्रो कैसा लगा, बहुत अच्छा है भाई, जीता तो मैं ही हूँ लास्ट में देख। अरे जीतने की बात थी क्या, तो मुझे पहले बता दे। ओ, तीन राउंड में तू जीता हुआ था पहले वाले में, उसके लास्ट वाले में मैंने आगे निकाल दिया, फिर अच्छा, दो बार निकाला, सबने वीडियो में देखा है। गलत हो गया ना, आपको बताना था कि रेस मतलब जीत और हार का भी है। वैसे कैसा लगा तुझे बता, मैं कहूंगा कि मैं अमेजिंग था, फर्स्ट टाइम था ये फॉर्मूला रेस जैसा लग रहा था। उसकी जो आवाज आ रही थी ना, वो गुड 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 समझ में भी नहीं आ रहा था, वो पता नहीं आवाज भी ठीक से रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है, बस जो चल रहा था चल रहा था, है ना ब्रो। ये वाला जो एक्सपीरियंस था ये बहुत अच्छा था, इसमें और लंबा होता ना 4-5 किलोमीटर का चलने चलने का, तो और मजा आता कि लगातार चलाते रहो, लेकिन उसका स्टीयरिंग बहुत हार्ड था, रोटेशन थी ना काफी, रोटेशन थी, एक दो बार तो ऐसे भी लगा था कि जैसे वो गिर जाएगा, बहुत ज्यादा था जैसे उलट जाएगा, लेकिन उल्टा उल्टा कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास चल रहा था, मजेदार है। यहाँ वो तो गो कार्टिंग कर सकते हो, गजब की चीज है। एडवेंचर रिजॉर्ट में यहाँ पे जो गो कार्टिंग हो रही थी वो भी हमने कर ली, यहाँ पे ये झूले वगैरह, उधर जिप लाइन हमने की नहीं क्योंकि हमने पहले की थी, और इधर ये कुछ सामान वगैरह खरीदना हो तो उनकी दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है, और झूले हैं ऊपर, बड़े वाले झूले हैं जो आप देख ही चुके हो। ओवरऑल मस्त है, और 7 बजे तक होता है शाम को, और अलग अलग रेट हैं सबके, जो भी आप एक्टिविटी करना चाहो वो गेट के ऊपर ही आपको सारी वो मिल जाती हैं। तो एक दिन तो आप अगर कुफरी आओ तो यहाँ पे निकाल सकते हो, अच्छी जगह है, और फैमिली के साथ हो तो भी, क्योंकि छोटे बच्चों का सेक्शन भी है, बड़े वालों का भी है, तो उस हिसाब से आप इंजॉय कर सकते हो पूरे के पूरे को, और काफ़ी आपके 4-5 घंटे आराम से, 2-3 एक्टिविटी भी कर लो ना तो निकल जाएंगे, और सिंगल एक्टिविटी भी कर लो और बाकी सब देख दूख लो तो भी बढ़िया है, 3-4 घंटे आराम से, भूख लगे तो खाने पीने के लिए हर तरह की चीज़ें हैं। ऊपर वाला रेस्टोरेंट भी है जहाँ हमने खाया था, क्या खाया था हमने, छोले भटूरे, नहीं छोले भटूरे नहीं थे, यहाँ पे छोले भटूरे को बोलते हैं चना भटूरा, हमने यहाँ पे खाया चना भटूरा, और मतलब वो छोले भटूरे ही थे, वाइट वाले छोले थे, वैसा ही था,
और लेकिन अच्छा था, ओवरऑल बहुत बढ़िया था। और अभी तो बादल हो गए हैं जिसकी वजह से व्यू थोड़ा सा दब गया है, लेकिन व्यू भी बहुत गजब का है। तो आप 4-5 घंटे के लिए यहाँ पे आ सकते हो, हमने भी करीब 4 घंटे हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, 3.5-4 घंटे हैं। ओवरऑल ज़बरदस्त है सर जी, कैसा ओवरऑल? 10 में से 10 नंबर तो नहीं, लेकिन 10 में से 9 जरूर मिलेंगे। चलो सर, भाई मास्टर जी हैं तो नंबर काटना तो इनका बनता है, तो पूरे की तो उम्मीद स्टूडेंट नहीं कर सकते। रिजोर्ट वाले क्या करेंगे। और एडवेंचर रिजोर्ट का जो पूरा टूर था वो यहाँ पे होता है ख़त्म। एग्जिट गेट है यहाँ पे, कुछ सामान वगैरह कुछ खरीदना हो, शॉपिंग वोपिंग, तो उसके लिए जगह है ये। और यहाँ से निकलते हैं बाहर और चलते हैं आगे की डेस्टिनेशन पे। आगे की डेस्टिनेशन कौन सी अपनी? अभी डिसाइडेड करना नहीं, वो है तो है ना। एक तो हम एप्पल पॉइंट देखने जा रहे हैं, एप्पल पॉइंट ही होते हैं ना, बहुत सारे सेब के बागान हैं वहाँ पे, और भी हैं कुछ आगे नई नई चीज़ें, एप्पल फार्मिंग वगैरह है कुछ, वहाँ चलते हैं। यहाँ से निकलते हैं फिलहाल और छोड़ते हैं आपको इस वीडियो में इस व्यू के साथ जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ चल रहा है भंडारा और हम ट्रेनिंग ले रहे हैं मास्टर जी से। बताओ ऐसे पूछेगा? हाँ जी चल रहा है बस।